क्वेश्चन नंबर 49 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन आया, आइए जरा रीड करते हैं क्या लिखता है। अ कंपनी सेल्स टू प्रोडक्ट्स जे एंड के, दो प्रोडक्ट बेचते हैं जे एंड के और दोनों का सेल्स मिक्स दे रखा है। कह रहा है अगर चार जे के बिकते हैं तो तीन के बिकते हैं, मतलब 4:3 की रेशो में बिकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है हर एक यूनिट का, ₹40 जे का है और ₹20 के का है। फिक्स कॉस्ट आप पहले यहां पर देखिए, ऑब्जर्व करें, 3,08,000 दे रखी है। क्या मुझे ये बताया कि जे का फिक्स कॉस्ट कितना है और के का फिक्स कॉस्ट कितना है? नहीं, मतलब यहां पर कंबाइंड फिक्स कॉस्ट पता है और कंबाइंड फिक्स कॉस्ट पता होने का मतलब ही है कि यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकलेगा तो कंबाइंड ही निकलेगा, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट ही निकलेगा। यहां पे इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट निकल नहीं सकता अलग अलग, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है। लेकिन सर मांगा है उसने कि इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। यहां पे इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट बोलने से पता है क्या मतलब है इसका? यहां पे इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट बोलने से मतलब है कि पहले तो ओवरऑल निकालो, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट तो एक ही पता है। क्या आपको अलग अलग जे और के की फिक्स कॉस्ट पता है? नहीं, हमारी तो वैसे भी ओवरऑल लग रही होगी, तो पहले तो मैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालूंगा क्योंकि यहां पर मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। निकाल दिया, उसके बाद फिर इंडिविजुअल कैसे करोगे? सर उनके सेल्स मिक्स के रेशियो में बांट देंगे। सेल्स मिक्स का रेशियो यहां पे क्या है? 4:3। तो जो भी ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उसको 4:3 की रेशियो में बांट के हम जे और के का अलग अलग बता देंगे। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ही है, पहले तो आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। और कैसे निकालोगे? यूनिट्स में, रुपीज में। सर आंसर देख लो ना, आंसर किस में है? यूनिट्स में, तो यूनिट्स में ही निकालेंगे ऑफकोर्स। अब ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले तो एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ता है, और उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पद चाहिए। क्या वो हमें दे रखे हैं? सर वो तो सीधे सीधे दे रखे हैं उसने। इसका मतलब ये कि जे का एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, के का एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, ये ₹40 है और ये ₹20 है। उसके बाद क्योंकि हमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होता है तो यूनिट चाहिए होते हैं। यूनिट क्वेश्चन में नहीं दे रखे, कोई दिक्कत भी नहीं, हमें सिर्फ सेल्स मिक्स का रेशियो बदल जाए तो हम उससे भी काम चला लेंगे। और यहां पर मैं क्या एज्यूम कर दूं? सर साथ ही एज्यूम कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? क्यों 70,700 ऐसे कुछ एज्यूम करें? साथ ही एज्यूम कर लो, ये भी तो एक अजम्पशन ही है। और हमें क्योंकि 4 और 3 दे रखे थे, हमने साथ ही एज्यूम कर लिए, तो यहां पर हमारी एजम्पशन ही क्या है कि हमने 7 यूनिट ही एज्यूम कर लिए और 4:3 हो गया। उसके बाद अब आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? 14 into 4 हो जाएगा 160 और 20 into 3 हो जाएगा 60। टोटल हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 220। ये जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ₹220 का है, ये कितने यूनिट्स का है? सर 7 यूनिट्स का है। तो फिर निकाल लो एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7। 220 डिवाइडेड बाय 7 होता है 31.43। ठीक है, अब आप यहां पर चाहें तो अपना ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पहले कंप्यूट कर लीजिए। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या चाहिए होता है? सर कंबाइंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज कंबाइंड फिक्स कॉस्ट? सर 3,08,000 डिवाइडेड बाय 31.43। बताओ जी कितना आ रहा? 3,08,000 डिवाइडेड बाय 31.43, ये होता है 9799। मैं कह सकता हूं कि 9800 है। ठीक है, आप देख लो अप्रोक्सीमेटली यही है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमने लिख दिया 9800। लेकिन उसने ना हमसे अलग अलग मांगा है जे और के का, तो ठीक है ओवरऑल निकालने के बाद और जे और के में बांट दो इसको। कैसे बांटोगे? जे के और रेशो क्या है? 4:3। तो 9800 का 4/7, 9800 का 3/7 करके बताओ कितना होता? ये 5600 आ रहा है, ये 4200 आ रहा है। 56 और 42 सी इज द आंसर। अब कई बच्चे ना पता है वो इंडिविजुअल के चक्कर में पता है क्या करते हैं, वो फिक्स कॉस्ट को अपोर्शन करने की कोशिश करते हैं, जे और की पता नहीं किस तरीके से अलग निकालते हैं। करना ही नहीं है, जब कंबाइंड फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कंबाइंड निकलेगा, मतलब ओवरऑल निकलेगा, और उसको बाद में फिर अपोर्शन करना है उनके सेल्स मिक्स के रेशियो में। ऐसे होना है क्वेश्चन सॉल्व।